हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवेश शुक्ला है और मैं पार्टनर हूँ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के साथ में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एमटीएफ बाई के बारे में और शेयर एस मार्जिन के बारे में। इसका वीडियो ऑलरेडी इंग्लिश में है और ये इसका हिंदी वर्जन है, इसको मैं फिर से बना रहा हूँ कि आप मार्जिन में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि सेबी के न्यू रूल्स के हिसाब से 1 सितंबर 2020 से आपको इंट्राडे कैश में सिर्फ 5 टाइम्स की लिमिट मिलेगी। जी हाँ, सिर्फ मैक्सिमम 5 टाइम्स मिलेगा, चाहे आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, कोई भी आपको इससे ज़्यादा लिमिट नहीं दे पाएगा। सिर्फ 5 टाइम मिलेगी, वो भी इंट्राडे में। तो मतलब यह है कि आपने पोजीशन बनाई तो आपको उसको स्क्वायर अप ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बेटर है ये एमटीएफ बाय, जिसमें आप कम से कम 3 टाइम्स की लिमिट आपको मिल जाती है और आप अपनी पोजीशन को 365 दिवस तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो आपको अगर एमटीएफ में बाई करना है तो सिंपली जैसे आप कैश में बाई करते हैं उसी तरह आपको एमटीएफ में बाई करना है। इक्विटी में जाना है, प्लेस ऑर्डर में। यहाँ पे कैश बाई की जगह आपको एमटीएफ सेलेक्ट करना है। इसमें आप एनएससी डालेंगे, स्टॉक जैसे रिलायंस, मुझे जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लेना है तो मैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज सेलेक्ट करूँगा। क्वांटिटी वन, लिमिट या मार्केट प्राइस जो भी है वो आप डाल के इसको इधर से बाई कर सकते हैं, ठीक है। जब ये बाई हो जाएगा आपका, तब आपको इसको चेक कहाँ करना है कि अभी अभी मैंने बाई किया ये कहाँ पे है, ठीक है। तो जब उसके लिए आपको फिर इक्विटी में क्लिक करिए और आपको देखना पड़ेगा ये ओपन पोजीशन में, ठीक है। अभी देखिए, ये मैंने 18 तारीख को ले लिया था, ठीक है, वही एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए। तो जब इनिशियली आप इसको बाई करेंगे तो ये आपके इसमें मार्जिन में दिखाता है, यहाँ पर आपको ये दिखाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे या शाम को 6 बजे के बाद आप उसको अपने यहाँ पे एमटीएफ में यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको यहाँ से ऐसे बाय करके इसको देख सकते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या लिखी हुई यहाँ पे, क्या होता है ट्रिगर प्राइस, इनिशियल मार्जिन, अमाउंट पेएबल, ये आपको इनिशियल मार्जिन जब आप यहाँ पे मार्जिन में बाई करेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा, यहाँ पे अमाउंट पेएबल दिखाएगा। तो अमाउंट पेबल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे अमाउंट पेबल ये था, कितना रहता है अमाउंट पेबल, ये 1394 अमाउंट पेबल आपको दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 1394 रुपये आपके लगे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो इनिशियल मार्जिन लगा है वो ये है 585, ये मेरा इनिशियल मार्जिन लगा है इस पोजीशन को क्रिएट करने के लिए। एक्चुअली 574 लगा है क्योंकि मैंने इसमें 10 रुपये का मार्जिन ऐड किया था, ठीक है। तो जब आपने पोजीशन बनाई, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की पोजीशन बनाई है 18 मई को, ठीक है, जिसकी एक्सपायरी डेट है 18 मई 2022, ठीक। इसका एवरेज प्राइस जो है, इसको मैंने लिया था 1979 रुपीज़ 90 पैसे से, ठीक है, और इसका करंट प्राइस चल रहा है 2002 रुपीज़, ठीक है। इसकी ट्रिगर प्राइस जो ये दिखा रहा है, ये आपको बस इसी चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, ट्रिगर प्राइस पे। ट्रिगर प्राइस कितना है, 1896, मतलब लगभग लगभग 1900 रुपये की आपकी ट्रिगर प्राइस है, ठीक है। अब आपने इसको एक बार बाई कर लिया तो आपको इसमें कभी भी ऐड करने की, मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मार्जिन आपको उसी कंडीशन में ऐड करना है जब आपको लगता है कि ये जो है ट्रिगर प्राइस पे आ जाएगा, मतलब रिलायंस का शेयर यहाँ से 2000 से गिरेगा और ये 1900 आ जाएगा और ये 1896 को टच कर देगा। तो मुझे अभी इसको सेल नहीं करना है, मुझे पता है ये ऊपर जाएगा 2100 2200, लेकिन ये आपका स्टॉप लॉस प्राइस भी है। अगर यहाँ पे मार्केट हिट करता है तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको इसको हमेशा ध्यान में रखना है, आपके ट्रिगर प्राइस को, ठीक है। अब जैसे 1896 है, मुझे लगता है यहाँ तक हो सकता है आ जाए, मेरे को इसको थोड़ा और नीचे करना है। मैं चाहता हूँ 1896 नहीं रखना, मैं चाहता हूँ ये 1870 आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे ऐड मार्जिन कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको 10 रुपये का मार्जिन ऐड करके दिखाता हूँ, 10 रुपये मैंने ऐड कर दिया, ओके। यहाँ पे देखिए, ये 83 हो गया 86 से, ठीक है, और यहाँ पे मेरा डिपॉजिट अमाउंट भी बढ़ गया, 10 रुपये ऊपर चला गया, ठीक। तो इस तरह से आप अपने ट्रिगर प्राइस को नीचे लाते जा सकते हैं और आपकी पोजीशन बनी रहेगी। अगर उसमें लॉस जाता है, कभी कभी होता है कि मार्केट अचानक से किसी न्यूज़ के कारण गिरता है लेकिन वो शाम तक में रिकवरी कर जाता है, ठीक है। तो उस केस में बचने के लिए आप अपने इसमें मार्जिन ऐड कर सकते हैं कि जिससे पोजीशन फिर से वापस उसी पोजीशन में आ जाए तो आपको लॉस नहीं हो, ठीक
और आपको इसमें एक चीज़ का ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप जितना भी आप मार्जिन ऐड कर देंगे वो आपको वापस नहीं मिलने वाला जब तक आप अपनी पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करेंगे, ठीक है। वो एक बार डिपॉजिट हो गया तो डिपॉजिट हो गया, वो वहाँ से वापस नहीं निकल सकता है, ठीक है। फिर जब आप ये पोजीशन बना लेंगे, शाम को आपकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पे ये रेड कलर में रहेगा प्लेज क्रिएशन के लिए आपको, ठीक है। फिर उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लेज करना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है प्लेजिंग के लिए, ये रहा, जैसे ये NSDL का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जाके इसको प्लेज कर सकता हूँ। अभी तो ये प्लेज ऑलरेडी है, एक मिनट, ये नेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इट इज़ कनेक्टेड। तो NSDL की साइट अभी डाउन है शायद, इसलिए ये खुल नहीं रहा है। ओके, तो NSDL यहाँ पे आप जाएंगे तो बस आपको आपका पैन नंबर डालना है और आपको उसको प्लेज कर देना है, ठीक है। अभी ये साइट चल नहीं रही है तो इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। कभी भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसको कन्वर्ट करना है डिलीवरी में, आप कन्वर्ट टू डिलीवरी में क्लिक करिए। और ये तो कन्वर्टेड टू डिलीवरी है कि जो जो पोजीशन आपने कन्वर्टेड कर ली है उसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अभी एक क्वेरी आई थी कि मेरा पोजीशन जो है वो MTF बाई में नहीं दिख रहा है, वो मेरा चला गया है सीधा मेरे पोर्टफोलियो में, तो वो कैसे चला गया। तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं कि कब आपने अपनी पोजीशन को जो है कन्वर्ट कर लिया है या कब पोजीशन आपकी कन्वर्ट हो चुकी है डिलीवरी में, ठीक है। तो इक्विटी में ये है मेरी ओपन पोजीशन, यहाँ पे अभी कन्वर्टेड टू डिलीवरी दिखा रहा है। जब आप मंडे ट्रेडिंग करेंगे तो यहीं से आप इसको सीधे कन्वर्ट कर सकते हैं डिलीवरी में, ठीक है। आप यहाँ से जाके इसका यहाँ पर इसको अलर्ट भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी 1883 का इसका ट्रिगर प्राइस है, कि तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि जब जैसे ही 1900 तो मेरे को इंटीमेट हो जाए कि ये 1900 आ चुका है, अभी आपको क्या करना है। तो बस यहाँ पे बेल आइकन को क्लिक करना है और आपको अपना प्राइस डाल देना है कि जैसे ही लेस देन आ जाए, मैं चाहता हूँ कि 1920 के नीचे आए तो ये मेरे को इंटीमेट करें, ठीक है। या फिर मेरा टारगेट प्राइस आ जाए जितना मैंने सोचा है, जैसे 2100 रुपये मैंने सोचा है, मैं 2100 रुपये डाल के यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, तो जैसे ही 2100 रुपये आएगा ये मेरे को इंटीमेट कर देगा, ठीक है। 50 ट्रिगर आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से आपका ये लग चुका है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्जिन ट्रेडिंग। अभी आपको ये देखना है कि किस स्टॉक में कितना मार्जिन मिलता है, ठीक है, वो कहाँ से देखेंगे आप। मतलब कि जैसे ये रिलायंस है, इसमें ऑलमोस्ट आपको 29% का ही मार्जिन लगता है, बाकी का 71% ICICI देता है आपको। तो वो सब हम कहाँ से देखेंगे। इक्विटी में आपको क्लिक करिए, प्लस के साइन में जाइए, स्टॉक लिस्ट में जाइए, ठीक है। स्टॉक लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी किसमें कितना मिलता है। अभी जैसे मान लीजिए आपको ITC चेक करना है कि ITC मेरे को कितनी लिमिट मिलेगी। ITC में गया, व्यू किया, तो ये देखिए 26%, इसमें तो और आपको 4 टाइम्स की मार्जिन मिल रही है टोटल। टोटल जी हाँ, टोटल आपको 4 टाइम्स की मार्जिन मिल रही है यहाँ पे। मतलब यदि आपके पास 26,000 रुपये हैं तो आप 1 लाख तक के ITC के शेयर खरीद सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। अभी जैसे SBI का चेक करना है, STABAN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितनी लिमिट मिलेगी, 32% इसमें देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको 1 लाख का ख़रीदना है तो आपको 32,000 रुपया देना पड़ेगा, या 10,000 का ख़रीदना है तो 3,200 रुपये आपको देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और किसी हम ऐसे का सेलेक्ट करते हैं, अभी कोई दूसरा भी करते हैं, जैसे टाटा केमिकल। तो हर एक शेयर की लिमिट जो है वो अलग अलग है, कोई एक कॉमन नहीं है, इसकी भी 32 है, ठीक है। टाटा GLO, टाटा कंज्यूमर, इसकी देखते हैं कितनी है, इसकी भी है, इसकी भी 3 टाइम्स है, 30,000 में आप 1 लाख तक के शेयर खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक में आपको ज़्यादा मिलेगी, और कोई अगर दूर का स्टॉक है या आप समझिए कि ग्रेड उसका कम है, बी ग्रेड का है, तो उसमें आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको 50% तक ही मिलेगी किसी किसी में। तो ये हो गया आपका MTF बाय में। पोजीशन अपने आप स्क्वायर अप नहीं होती है, ये तो टोटल पोर्टफोलियो ऐसी बना हुआ जो जो अभी किसी को दिखाने के लिए कोई पोजीशन खरीदी,
तो वही करके ये सब बना हुआ है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं शेयर्स एज मार्जिन। आपके अकाउंट में शेयर्स पड़े हैं, ठीक है, आपको उसको अगेंस्ट में मार्जिन लेना है और फिर आपको उसमें ट्रेडिंग करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख के शेयर पड़े हैं, तो आपको कितनी मार्जिन मिलेगी, कैसे पता चलेगा आपको? आपको सिंपली इक्विटी पे क्लिक करना है, एलोकेट फंड पे जाना है। ठीक है, एलोकेट फंड में जब आप जाएंगे तो नीचे यहाँ पे दिखाता है शेयर्स एज मार्जिन। यहाँ पे देखिए, ये मेरे को बता रहा है कि आप 8,470 रुपये की मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं आज की डेट में। जैसे 23 मई 2021 है आज, तो अगर मैं अपने शेयर्स प्लेज करता हूँ तो मेरे को 8,470 रुपये की मार्जिन मिल जाएगी, जिससे मैं मार्जिन में दोबारा से शेयर खरीद सकता हूँ। अभी मैं इनको प्लेज कर दूँ तो मैं दोबारा से शेयर्स खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं इनको प्लेज करूँगा तो मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए महंगा पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी के एक एक दो दो चार चार शेयर्स खरीदे हुए हैं। एक शेयर जब मैं प्लेज करूँगा तो उस पर 20 रुपये प्लेज चार्जेस लगता है। ठीक है, अभी सोचिए इतने शेयर्स प्लेज कर दूंगा, उसमें 8,000 का मिलेगा, तो 3-4% तो ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यदि क्वांटिटी में ज़्यादा शेयर्स हैं तो आप उनको प्लेज कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं से। इसमें ये भी दिया है कि आप कितने क्वांटिटी प्लेज करना चाहते हैं, आप क्वांटिटी डालिए यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करिए और प्रोसीड कर दीजिए, तो आपकी जो है मार्जिन वो क्रिएट हो जाएगी, प्लेज एंड एलोकेट कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेयर सेट मार्जिन। शेयर सेट मार्जिन में इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट कब तक नहीं लगता है? जब तक आपने नियो प्लान नहीं लिया हुआ है। ठीक है, अगर आप नियो लेते हैं तो जो इसमें से मार्जिन उठाते हैं इसमें भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? और अगर आपके पास नियो प्लान नहीं है, आपने सिर्फ प्राइम प्लान ले रखा है, या आपके पास ऑप्शन 20 का प्लान है और आप इसको यूज़ करना चाहते हैं फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग के लिए, आपका जो भी फंड है शेयर एज मार्जिन में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, होल्डिंग भी कर सकते हैं, और आपको कोई भी इसमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। मतलब आप फ्राइडे को पोजीशन बनाइए, अगले थर्सडे को निकालिए, फ्यूचर ऑप्शन में बड़े आराम से आप पोजीशन बनाइए शेयर एज मार्जिन से, आपको 1 रुपये का भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगर आपने नियो प्लान नहीं लिया है तब तक। ठीक है, तो ये है शेयर एज मार्जिन के बारे में। और एक और चीज़ कि मैं कितना मार्जिन किस शेयर पे मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, वो आपको पहले से चेक करना है, उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं कि किन शेयरों में भाई ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, मैं उन्हीं को खरीद के रखूँगा और फिर उनसे मार्जिन लेके मैं फिर उनको प्लेज करूँगा और ट्रेडिंग करूँगा। तो यहाँ पे आपको फिर से वही जाना है, इक्विटी में जाना है, आपको स्टॉक लिस्ट में जाना है, यहाँ पे सारी स्टॉक लिस्ट ओपन होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके सेलेक्ट करना है इक्विटी शेयर सेल्स मार्जिन। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जैसे ITC डालता हूँ, फिर से ITC ही सबसे अच्छा शेयर है प्लेज करने के लिए, क्योंकि ये डिविडेंड भी देता है 5% का साल में और आपको बढ़िया मिल भी जाता है। ओके, ये तो इन्होंने पूरी की लिस्ट दिखा दी, मैं इधर पे मेरे को वो डालना है ITC, मुझे सिर्फ ITC का देखना है फिलहाल। तो ये 18% का कटेगा आपका, मतलब अगर आपने 1 लाख के ITC के शेयर खरीद लिए हैं तो आपको 82,000 की लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, उस 82,000 से आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिलीवरी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़रूरी बात जो ये आपको ध्यान रखनी है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख का ही बैलेंस था, आपने 82,000 लेके उसे ट्रेडिंग की, ठीक है, और आपको 2,000 का लॉस हो गया उसी दिन, सेम डे इंट्राडे में आपको 2,000 का लॉस हो रहा है, तो आपको वो 2,000 रुपये इसमें मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो वो इस शेयर्स को सेल करके आपकी पोजीशन काट लेंगे। ठीक है, अपना पैसा वो निकाल लेंगे, अपना पैसा वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपके पास। ठीक, तो ये है शेयर एस मार्जिन के बारे में। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेरा कितना मार्जिन लग रहा है भाई, मेरा कितना इंटरेस्ट जा रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, मैंने कितना इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, किस किस दिन इंटरेस्ट लग रहा है, कितने दिन से इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसमें आपको जाना है। ये जैसे मैंने 18 मई को लिया, तो मेरे को ये देखना मेरा इंटरेस्ट कब से लगना चालू हुआ है। हर कोई ये सवाल ज़रूर पूछता है, क्या मैं उसको 2 दिन बाद अगर सेल कर दूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट क्या वो 2 दिन का भी देना पड़ेगा? नहीं, आपको वो 2 दिन का नहीं देना है, लेकिन आपको तीसरे दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब यदि आपने मंडे को शेयर खरीदा, ट्यूसडे वेडनेसडे होल्ड किया और उसको थर्सडे को यदि आप सेल करते हैं, तो आपको 1 दिन का इंटरेस्ट उसमें देना ही पड़ेगा। जैसे मैंने 18 को लिया था, अभी इसको
इंटरेस्ट देखना है मेरे को, यहाँ से आप देख सकते हैं इंटरेस्ट, 1 वीक का देखता हूँ मैं, अभी 18 को ही बनी है पोजीशन ये। तो ये देखिए 21 मई को इन्होंने मेरे से इंटरेस्ट चार्ज किया है 34 पैसे का, ठीक है, और 22 मई का भी है 34 पैसे का। 22 मई कल शनिवार था तो पैसे शायद कटे नहीं अभी, तो ये आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, ये मंडे को कटेगा, आज का सैटरडे और संडे, हाँ सैटरडे और संडे का भी पैसा कटता है, रोज़ का कटेगा जितने दिन आपकी होल्डिंग बनी रहेगी। मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 0.024% है, मतलब कि आप कह सकते हैं 8.9% है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसा इसका इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। इसमें शेयर एस मार्जिन में आपको आपके पास एक्स्ट्रा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि अगर आपकी पोजीशन लॉस में जा रही है तो वो आपको देना पड़ेगा। पर जहाँ तक बात है आपके MTF बाई की, मार्जिन में आपने बाई किया है तो आपको रोज़ रोज़ फ़ंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको फ़ंड तभी ऐड करना है जब आपका ट्रिगर प्राइस के आसपास आ जाता है और आपको पोजीशन होल्ड करनी है। तो आपको इस पे हमेशा ध्यान रखना है, अलर्ट सेट करके ज़रूर रखिए आप, अलर्ट सेट करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि क्या क्या है, पोजीशन लगी हुई है। जैसे मैं यहाँ से व्यू अलर्ट करता हूँ, ये लगी है मेरी, 2100 आएगा तो मेरे को इंटीमेट कर देगा, ठीक है। नीचे की साइड में भी मैं लगा सकता हूँ इसको, कि जैसे ही 1900 तो मेरे को फिर से इंटीमेट कर देगा कि मेरा कितना वो लगा हुआ है। तो इस तरह से ये है टोटल बात MTF की। एक चीज़ और है जो बहुत ज़रूरी है बताना MTF बाई के बारे में, वो ये है कि जब आप पोर्टफोलियो में देखेंगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मैंने पोर्टफोलियो में लिया हुआ है, तो ये मेरे पोर्टफोलियो में शो करेगा अभी, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज एक शेयर लिया है। यहाँ पे देखिए ये मेरा बाई प्राइस दिखा रहा है 1997 रुपीज़ 70 पैसा, 0.50 पैसा, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे लिया है इक्विटी में ओपन पोजीशन में, तो यहाँ पे आप देखिए ये दिखा रहा है 1979, ठीक है। तो ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसने जो मेरी कॉस्ट प्राइस है उसमें ब्रोकरेज भी जोड़ दी है और मेरा इंटरेस्ट भी जोड़ दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में जो मैंने प्लेज का चार्जेस है वो भी इन्होंने इसमें जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो टोटल दिखाएगा कि टोटल आपकी पोजीशन कितने में आ गई, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट यहीं से पता चलेगा कि आपका कितना प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरी ओवरऑल पोजीशन 5 रुपये प्लस में है सिर्फ, अभी मैं सेल करता हूँ तो मेरे को 5 रुपये मिलेंगे, उसमें से भी जो ब्रोकरेज है वो कट जाएगी, STT सेलिंग में जो STT लेती है सरकार वो लग जाएगा। ओपन पोजीशन में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1979 ही दिखाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट मेरा 22 रुपये का ही है, ठीक है। तो आज पैसा कट चुका है इसमें। तो यही सब है MTF बाय और शेयर एस मार्जिन के बारे में, और अगर कुछ छूट गया है तो आप बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।